हेलो व्यूअर्स, आज मैं खानाई बाज़ार रोहत में आया है क्योंकि आप लोगों को रोहत दिखाने के लिए। और ऐसे में साल में एक बार रोहत होता है उधर, हमारी बंगला में कहती है आषाढ़ महीना, उस महीना में रोहत हर साल होता है उधर, क्योंकि रोहत उधर देखने को बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे आदमी भी आता है उधर। पूरा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा रोहत ही उधर ही होता है, हमारी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट यानी असम पे सबसे बड़ा रोहत ही होता है उधर। मैं अभी अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरा साथ में रहिए, मैं भी पूरा अंदर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। मैं भी पहली बार आज रोहत में आया और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वहाँ में बहुत सारा दुकान होता है, दुकान पे अचानक सामान बहुत सारा मिलता है क्योंकि देखने को भी अच्छा लगता है और दुकान भी बहुत सारा है। हमारे साथ में बहुत सारा मेरे दोस्त लोग हैं, मैं कुछ समय के बाद मेरा साथी जितना है सब लोगों का साथ मुलाकात कराऊंगा। पर ऐसे में मैं तो अंदर ही घुसा है, देखने को बहुत सारा चीज़ है वहाँ पर, दुकान भी बहुत सारा बैठता है, चूड़िया का दुकान। ये अभी शायद वहाँ पे अभी तक पूरी तरह से रोहत लगा नहीं, दुकान अभी तक खोल रहा है। रोहत को देखिए अच्छा लगेगा देखने में। आज हमारी एक भाई भी साथ में, भैया आपको कैसा लगा रोहत देखने में? कैमरा क्वालिटी पूरी तरह से सही नहीं आ रहा है, क्यों मैं थोड़ा ये मंदिर है वहाँ पर, क्योंकि ना ये मंदिर है वहाँ पर, मैं मंदिर का अंदर नहीं घुस रहा है क्योंकि यही पूरा मंदिर है वहाँ पर। और दुकान बहुत सारा है वहाँ पर, आदमी भी बहुत जमा होता है। मैं अभी मंदिर से घूम के आया, अभी दूसरा दाएं तरफ जाऊंगा। भाई उस तरफ जाओ। किस तरफ जाऊं? इस तरफ, उधर से चला जाता है ना देखने के लिए। ओ आओ ना, बताइए गुरिया जी मेरे पर आए। चलो उस तरफ जाके देख लेते एक बार। ये सामने में मंदिर का सामने बहुत बड़ा तालाब है, तालाब को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये लफ्ज को थोड़ा लजीज बनाओ। अच्छा, हमारे जो भाई है वो पहले उनका बहुत बड़ा यूट्यूबर था उन्हें, क्योंकि उनको अभी वहाँ पर मछली मारने का बहुत सारा हथियार है। कितना? 450 में ये मिला है। अभी अंदर जाता है देखने के लिए, वहाँ पर मछली मारने का बहुत सारा हथियार है क्योंकि यही तो समझ लो मछली मारने का पूरा हथियार जितना है वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो रास्ता वाले चंसर उस तरफ जाता है क्योंकि जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, कीचड़ भी बहुत सारा है उधर। और मैं अभी तक जगह में पहुंचा नहीं, जाने के बाद आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। हमारा इस्लाम भैया है साथ में, आज आया है। ये देखिए
कीचड़ भी बहुत है उधर। ये फॉलो कितने का है? वो फॉलो कार फॉलो को तो कतो क्या 900 टका पाई सकते आसे नहीं को देखी फॉलोटा देखी सी दीदी तो आना तो ना देखी सकते आसे एकदम उतना भी नरम नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत हार्ड है। ये फॉलो है मैं बहुत लाइक करता है इसको, हम लोग फॉलो बोलता है इसको। ये सही तरह से शायद मैकेनिक ने वो जो कारीगर है पूरी तरह से बना नहीं पाया इसको क्योंकि ट्रेन लाइन भी है वहाँ पर। अच्छा अभी सामने चलते हैं ना वैसे ना आयर गुड़िया आयर अबर ये डोरी भी है वहाँ पर, सेफा भी है, बहुत सारा हथियार पड़ा है उधर क्योंकि सभी मछली मारने का हथियार है उस तरफ। हाँ ये दा भी देख लेते हैं, मैं दाऊ जो बोलता है दादा इतना दा कत करी 300 तो तार कोनो डिस्काउंट नहीं नी ₹300 बोल रहे हो। अच्छा आगे चलते हैं आयर आयर जी। भैया ने खोलो ही ले रहा है क्योंकि एक ही दुकान है वो एक दुकान। ये खोलो ही है, खोलो ही को सब्जी सब्जी धोने में बहुत अच्छा होता है ये धोने के लिए। कितने का है वो? ₹120 बोल रहा है वो, सो यानी ₹20 ज़्यादा लग रहा है इसीलिए नहीं खरीद रहे हम लोग, नहीं ले रहे। चलो आगे चलते। अरे আচ্ছা বাদে লইম চলো আর খান হইতে ইনতেই তো আইলাম এটিএম তো নেই উধর এ মিঠাই কা দোকান दुकान तो बहुत सारा है वहाँ पर, मिठाई का दुकान और यहाँ पर जनरेटर भी लगा हुआ है क्योंकि अगर अंधेरा हो जाए तो फिर जनरेटर यूज़ करना है। मेरा साथ में एक यूट्यूबर है वो उनका साथ भी मुलाकात करा लेता है। ये बात तुम्हारे को देखने वक्त वो कैसा लगा उधर देख के? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गया, बहुत सालों के बाद मुझे दिखाई दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 10 साल के बाद मैं गाँव में आया। 10 साल के बाद गाँव आया क्योंकि आप आया था क्या यहाँ पर पहले रात में? बहुत सर, मेरा बहुत वही गुजारा था। अच्छा अच्छा वही पे गुजारा। और ओ ओ ओ भाई 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 ओ ना से आंडी डे गई से खाइबार ना लईबार लईबार सब लईबार। ओ आओ देखिए वहाँ पर बड़ा बड़ा डेस्किया भी है सब्जी बनाना वो सब के लिए। फूल भी बहुत सारा रखा हुआ है, ये फूल का एक प्राइस पूछ लेता है भाई इतना कतो रही अक्का 250 रुपया बोल रहा है उन्हें। और अभी उस तरफ जा रहा है, ये मंदिर का साइट ही है खानाई बाजार मंदिर।
यहाँ पे बहुत सारा वैरायटीज आइटम मिलता है। अगर साल में एक ही बार होता है जितना बहुत सारा दुकान होता है। डेस्की ने तो हमें खींचो लेता हूँ ना, डेस्की उसकी खींचो लेता हूँ। हाँ डेस्की भी बहुत सारा है वहाँ पर, और जाने के लिए रास्ता भी, रास्ता में बहुत सारा कीचड़ है, फिर वापस चलते उस तरफ। अभी जिस तरफ से आया हम लोग इसी तरफ जा रहे हैं। यही मंदिर है वहाँ का, बहुत पुराना मंदिर है खानाई बाजार का जो मंदिर है। वहाँ पर पहले एक आदमी था खानाई करके, उनका नाम से ये मंदिर भी बना। और हमारे दूसरा एक आदमी आया मामू, मामू ये कितने का लिया आप, पता दिल 200 का ये मामू ने ये धाव लिया था, मेरे को भी एक लेना है। और अच्छा मामू तुम्हार खानाई बाजार देखिए कीरकम लागसे, खूब भलो लागे मामाइर, हमार मामू खूब भलो लागे क्योंकि बंगला में बोलता है वो, उनको बंगला बहुत अच्छी तरह से आता है। अरे तो फिर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो स्टॉप कर रहा है, वीडियो देख के शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और मेरा वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। अच्छा लाइक क्या क्या करना है, बात बोलिए। इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा अच्छा मेरा आवाज़ भैया ने बोला आइकन को दबा के रखना, बेल आइकन को दबा के भी रखने का ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगी। हाँ उन्होंने और भी क्या बोला भाई, क्या बोला तुम कितना कुछ सोचो, उनको थोड़ा शर्म आता है बोलने के लिए, वो थोड़ा शर्मिंदा है, शर्मिला है। अच्छा ठीक है व्यूअर्स, अभी रखते हैं, मेरा वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और देखने के बाद कैसा लगा मेरे को बोलिए कमेंट करके। ओके व्यूअर्स।